वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने ये लुक क्रिएट किया है, ये वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक है। आप भी इस मेकअप को आसानी से स्टेप फॉलो करके कर सकते हैं। ये मैंने ब्यूटीफुल सा आई मेकअप लुक क्रिएट किया है। आप भी बहुत ही इजी से स्टेप फॉलो करके ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। ये लुक वेडिंग वुमेन्स के लिए है, ये बहुत ही जल्दी मेकअप लुक क्रिएट हो जाता है। मैंने अपना बेस मेकअप कंप्लीट कर लिया है, अब मैं आपको आई लुक क्रिएट करके दिखाती हूँ। एंड मैं ये कलर पिक करके अपने आउटर कॉर्नर पर प्लेस करूंगी। ब्लेंड करूंगी मैं अच्छे से इस कलर को। मैं इस कलर को दोबारा से पिक करूंगी। अच्छे से ब्लेंड करूंगी। ब्लेंड करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं वापस से ब्राउन शेड को पिक करके ब्लेंड कर रही हूँ। तो ये डार्क शेड लेके आउटर कॉर्नर पर प्लेस करना है। टैप टैप करके प्लेस कर दीजिए। देन आपको ये सिमर शेड लेके सेंटर में प्लेस करना है। एंड अभी आपको अपने इस एरिया पर एक लाइटर कलर प्लेस करना है। आई मेकअप ऑलमोस्ट डन हो चुका है, अभी आपको आईलाइनर अप्लाई करना है। तो आईलाइनर के लिए मैं यूज कर रही हूँ लैक्मी का 925 आईलाइनर। मैं अपने लोअर लैश पे ये ब्राउन शेड अप्लाई करूंगी। एंड मैं ये ब्लैक शेड भी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूंगी सेम ब्रश से। एंड मैं मेबलिन का मस्कारा अप्लाई करूंगी। ये मस्कारा बहुत अच्छा है। सो आई मेकअप डन हो चुका है। मैंने मेबलिन की लिप बाम अप्लाई की थी, अब मैं लिप बाम को रिमूव करके रेड लिपस्टिक अप्लाई कर लूंगी, जो कि मेरी साड़ी का कलर रेड है। मैं लिपस्टिक के लिए यूज करूंगी ये स्टे क्वालिटी की मिनी लिपस्टिक। इसमें बहुत सारे शेड आते हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लिपस्टिक है, अफोर्डेबल रेंज की। सेम पैलेट में से मैं यूज करूंगी दिस ब्राउन शेड कॉन्टोरिंग के लिए। ब्लश के लिए मैं सेम पैलेट में से ये कलर पिक करूंगी। हाइलाइटर के लिए मैं सिवाना पैलेट में से हाइलाइटर यूज करूंगी। मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस, इस ब्यूटीफुल मेकअप के साथ मैं एक ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल भी बना रही हूँ, जिसमें आपको अपने हेयर को टू सेक्शन में डिवाइड करना है।
देन एक साइड के हेयर को ऐसे आगे के हेयर को ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट करके कान के पास ले जाके देन बॉबी पिन से सिक्योर कर लेना है। आपको दो तीन बॉबी पिन से यहाँ पर अपने हेयर को सिक्योर करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हेयर ट्विस्ट किए हैं तो उसमें निकलने का चांस रहता है। देन आपको अपने दूसरे साइड के भी हेयर को इसी तरीके से ट्विस्ट करना है। देन इधर के भी हेयर को आपको आप अच्छे से बॉबी पिन से सिक्योर कर लेना है। ये देखिए मेरा हेयर्स रेडी हो गए हैं। इस टाइप के हेयर स्टाइल आप तभी बनाएं जब आप मांग टीका लगाएं। ये मेकअप लुक मैरिड वुमेन के लिए है।